और बुरहानपुर जिले के शाहपुर रेंज कार्यालय द्वारा कक्ष क्रमांक 254 में आरडीएफ योजना के तहत 20 हेक्टेयर में 10,000 पौधों का रोपण किया गया, लेकिन यहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई। बता दें कि इस क्षेत्र में 10,000 पौधे रोपने की बात कही जा रही, लेकिन जब मौके पर जाकर देखा तो यहाँ केवल गड्ढे खोदे गए हैं और गड्ढों में ना तो पौधे मिले और ना ही कोई यहाँ पर पेड़ मिला है, केवल जगह जगह पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे। इसी क्रम में जब समाज से भी संतोष पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हजारों पेड़ पौधे पड़े पड़े खराब हो गए हैं, लेकिन वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर होगा। वहीं जब इस संबंध में वन विभाग के SDO अजय सागर से चर्चा की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यहाँ कुछ तो अनियमितता हुई है। अब इस मामले को लेकर मौके पर जाकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपके द्वारा मुझे ये अवगत कराया गया है कि कक्ष क्रमांक 454 मोहद में इस तरह की कुछ गतिविधि है, तो फोटो देखकर लग रहा है कि पौधे कुछ तो लापरवाही हुई है, तो मैं खुद मौके पर जाकर उसका निरीक्षण करूंगा और क्यों लापरवाही हुई और किसकी लापरवाही है और क्या परिस्थिति है वहाँ की, तो उसके बाद में मैं उसमें देखता हूँ क्या कर सकते हैं उसमें। यह पाया गया है कि जैसे कि 10,000 पौधे का बोर्ड लगाया गया है वहाँ पे, तो जिस तरीके से पौधे दिखाए गए यहाँ पे तो पौधे नज़र ही नहीं आए, मतलब तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ इसमें पर्यावरण को लेके भी, इसके नाम से भी मतलब लाखों रुपए निकाले गए, तो यहाँ तो जैसे जीवित झाड़ नज़र आना चाहिए, मतलब वो भी एक भी मतलब पौधे नज़र नहीं आ रहे। मतलब पथरीले एरिया पे यहाँ पे पौधारोपण किया गया है, वो क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिना पानी से कैसे जीवित रहेंगे, मिट्टी नहीं उसमें तो बिल्कुल। तो ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए कार्य, ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है पर्यावरण को लेके। इस मामले में आप शिकायत करेंगे? इस मामले को लेके अपन शिकायत करेंगे हम जिला का मुख्य अधिकारी के पास।